मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन और मित्र कौन है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और मनुष्य ही सबसे बड़ा दुश्मन। मनुष्य के अंदर जिसे आत्मा राम कहते हैं, जो जीवन की रचना करता है, कहने का अर्थ है आप ही दुश्मन हैं अपने आप के, आप ही मित्र हैं सबसे बड़े अपने आप के। अपने अंदर क्रोध पैदा कीजिए, क्रोध कभी अकेला नहीं आएगा, क्रोध के साथ घृणा आएगी, अहंकार आएगा, अपने आप को जलाएंगे। कभी आपने देखा हो कि आप ध्यान में हैं और ध्यान में उठते ही आपने क्रोध करके किसी को गाली दी हो? ऐसा नहीं हुआ, परंतु जब क्रोध आएगा तो उस क्रोध से जो गाली उत्पन्न होगी, जो घृणा उत्पन्न होगी, मुझे नहीं पता कि सामने वाले को कोई असर होगा कि नहीं होगा, परंतु उससे मुझे तो जलना पड़ेगा और जलन में आयु कम हो जाती है। क्रोध एक लकड़ी के समान है, किसी मकान में लगा दीजिए, हजारों वर्ष तक लकड़ी चलती है, परंतु उसे रोज थोड़ा थोड़ा जलाइए, एक दिन में भी समाप्त हो सकती है अगर अग्नि तेज हो, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। आपकी उम्र बढ़ने का राज जो है, जितना आप क्रोध कम करेंगे उतनी ही आपकी आयु लंबी होगी। आप अपने अंदर क्रोध को पैदा करेंगे, स्वयं के दुश्मन आप है। स्वयं के मित्र बनना चाहते हैं, सामने वाला कुछ भी कहे इग्नोर कर दीजिए। कुत्ते रास्ते में भौंकते हैं, परंतु किसी शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शेर बनिए ना कि कुत्ते। सामने वाला 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा चिल्लाएगा, और जब आप ध्यान अवस्था में चले जाएंगे, वही क्रोध की अग्नि जो आपको जलाकर आपकी उम्र को कम कर रही थी, जब ध्यान में चले जाएंगे तो वही आपकी उम्र को बढ़ाएगी। जितने भी व्यक्ति अत्यधिक उम्र के देखेंगे, उनमें क्रोध का नाम नहीं होता। क्रोध वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति छोटी आयु का होता है, परंतु जो अपने आप के मित्र हैं, वह अपनी शरीर की रचना के साथ खिलवाड़ नहीं करते। परमात्मा ने जो आपको समय दिया है, उसको आप योग करें। दुरुपयोग करने से आप ही का नाश होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लंबी आयु पाना चाहते हैं, इस संसार में रहकर नानक प्रकार के सुख भोगना चाहते हैं, तो क्रोध की अग्नि को शांत कीजिए। क्रोध की अग्नि आपकी दुश्मन है, नम्रता ही आपका स्नेह प्रेम, यही आपका मित्र है।